हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आई माई सेल्फ शिवम चौधरी वेलकम्स ऑल ऑफ यू। हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग। ये आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इसका सब्जेक्ट कोड है 1621505। 16 का मतलब है ये जो है 2016 में सिलेबस स्टार्ट हुआ था, इफेक्टिव फ्रॉम 2016-17। 21 आपका ब्रांच कोड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड 21 है। 5 जो है ये आपका सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर, और 05 सब्जेक्ट कोड है। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे जो टेलीविजन क्या होता है, कैसे काम करता है, कलर टेलीविजन क्या होता है, मोनोक्रोम टेलीविजन क्या होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, कोई टेलीविजन है तो उसका अगर 30 सेंटीमीटर का टेलीविजन है, उसका डायमेंशन 30 सेंटीमीटर है, मींस वो क्या है, वो आपका डायगोनल है या विड्थ है या हाइट है, तो बहुत सारा चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो टेलीविजन जो है वो दो वर्ड मिलकर बना है, टेली और विजन। टेली मीन्स एट ए डिस्टेंस, विजन मीन्स सीइंग, देखना, कोई खास डिस्टेंस से जो हम लोग देखते हैं वो आपका क्या है, टेलीविजन है। टेलीविजन को एक हम लोग कुछ डिस्टेंस से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ड टेलीविजन मीन्स सीइंग एट ए डिस्टेंस, सीइंग एट ए डिस्टेंस, या हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से जो हम लोग देखते हैं। द वर्ड टेली मीन्स एट ए डिस्टेंस एंड विजन मीन्स सीइंग, देखना। द मेन एम ऑफ टीवी सिस्टम इज टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ साइट बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट अलोंग विद द साउंड एसोसिएटेड विद द सीन बीइंग टेलीविज। टेलीविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, हम लोग का जो सोचने का शक्ति है, जो सेंस ऑफ साइट हम ह्यूमन बींग का है, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, उसके बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से जो हम लोग का जो सोचने का शक्ति है उससे ज्यादा हम लोग देखते हैं और फिर उसको फील कर पाते हैं। जैसे कि कोई आप मूवी का पार्ट देखते हैं तो फिर आप उसको सोचने लगते हैं, या आपके जो सोचने का शक्ति है उससे कहीं ऊपर दिखाता है। तो आपको रेडियो में क्या था, रेडियो में केवल हम लोग सुनते थे, वहां पे पिक्चर नहीं था, लेकिन टेलीविजन में क्या है, हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी है, यहाँ पे वीडियो भी होता है और साउंड भी होता है। तो टेलीविजन से मेरा क्या होता है, सेंस ऑफ साइट जो है, जो मेरा सोचने का क्षमता है, जो देखने का क्षमता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कोई आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो आप ये देखने के बाद आपको दिमाग में आता है कितना ये हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, आपका जो सोच है उसे कहीं ऊपर हम लोग देखते हैं, न्यूज चैनल हम लोग देखते हैं। तो टेलीविजन से मेरा क्या होता है, सेंस ऑफ साइट इंक्रीज होता है, जो मेरा नेचुरल लिमिट है उससे कहीं गुना इंक्रीज होता है सेंस ऑफ साइट। द वीडियो सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। टीवी में दोनों होगा, वीडियो और साउंड दोनों होगा। वीडियो जो होगा वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है, हम लोग AM का यूज करते हैं वीडियो के लिए, और साउंड के लिए FM का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो वीडियो के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग VSB का यूज करते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड, VSB वेस्टिजियल साइड बैंड का हम लोग यूज करते हैं, जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टाइप है, जैसे DSB-FC, DSB-SC, SSB-SC, VSB, तो हम लोग वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं वीडियो के लिए या पिक्चर के लिए, और साउंड के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है, हम लोग वीडियो के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी VSB यूज करते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड, और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, जो सबसे पहला कैमरा ट्यूब था वो आइकोनोस्कोप था, कौन सा था, आइकोनोस्कोप। और सबसे पहले टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग कब हुआ था, 1935 में सबसे पहले टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग हुआ था, और इंडिया में, हमारे देश में सबसे पहले कब आया था, 1959 में सबसे पहले
इंडिया में आया था। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो, बहुत ही अच्छा है। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? विड्थ टू हाइट रेशियो ऑफ ए पिक्चर फ्रेम इज कॉल्ड एस्पेक्ट रेशियो। विड्थ टू हाइट रेशियो जो होता है, विड्थ और हाइट, इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ ए पिक्चर फ्रेम। और एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो आपका 4:3 होता है। कितना होता है एस्पेक्ट रेशियो? एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? विड्थ बाय हाइट। और इसका रेशियो क्या होता है? 4:3। 4:3 मींस विड्थ आपका 4x होगा तो आपका हाइट क्या हो गया? 3x। हम लोग विड्थ को ज्यादा रखते हैं, हाइट को कम रखते हैं, क्योंकि मेरा जो आंख है, हम लोग जो ह्यूमन बींग है, आंख जो हम लोग का है वो हॉरिजेंटली ज्यादा कंफर्टेबल है देखने के लिए कंपेयर टू वर्टिकल। आप खुद देखिए, आप हॉरिजेंटल देख के देखिए और वर्टिकल देखिए, तो वर्टिकल देखना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो जब ये बॉडी देखिए, बोर्ड में देखिए, विड्थ इसका ज्यादा है, हाइट कम है। या आप अपने घर का टेलीविजन देखिए, टेलीविजन में भी विड्थ ज्यादा होता है, हाइट कम होता है, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग है विड्थ को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं कंपेयर टू हाइट। तो विड्थ आपका 4x होगा और हाइट आपका 3x होगा, ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। हॉरिजेंटल डायमेंशन ऑफ ए सीन इज जनरली मोर देन इट्स वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजेंटल डायमेंशन जो होता है, विड्थ जो होता है, उसको हम लोग ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि मेरा आंख जो है, मेरा आई जो है वो हॉरिजेंटल ज्यादा अच्छे से देख पाता है कंपेयर टू वर्टिकल। आंख जो ह्यूमन बींग का है वो सबसे बड़ा आपका कैमरा है, सबसे बड़ा कैमरा है ये। आपका जितना भी मेगा पिक्सल आप देखते हैं मोबाइल का, वो सब फेल है। ये सबसे आपका आंख जो है सबसे बड़ा कैमरा है, सबसे ज्यादा मेगा पिक्सल है, और आपका ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा मेमोरी उसमें होता है, सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर करने का, सबसे ज्यादा मेमोरी बोल सकते हैं आपके ब्रेन है। और सबसे अच्छा कैमरा आपका क्या है? आई है। वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आप एक चीज बताइए, आपके घर में टीवी है तो आप देखते होंगे टीवी आपका 30 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का, या इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई टीवी आपका 30 सेंटीमीटर का है, तो वो 30 सेंटीमीटर क्या है? तो टीवी जो होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, टीवी जो होता है तो 30 सेंटीमीटर जो टीवी का डायमेंशन होता है वो क्या होता है? डायगोनल होता है। डायगोनल के हिसाब से हम लोग लेते हैं 30 सेंटीमीटर करने का मतलब, वो जो टीवी है उसका स्क्रीन का डायगोनल 30 सेंटीमीटर है। जैसे कि सपोज कीजिए यही आपका टीवी है, तो अगर 30 सेंटीमीटर का टीवी है इसका मतलब ये जो होरिजन, ये जो आपका डायगोनल है ये 30 सेंटीमीटर है। अब बताइए विड्थ और हाइट का रेशियो क्या है? 4:3 मींस ये आपका विड्थ 4x होगा तो हाइट 3x होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका? अगर ये 4x है, ये 3x है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 5x। तो सपोज कीजिए कोई टीवी आपका 30 सेंटीमीटर का है, मींस उसका डायगोनल, जो स्क्रीन का डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा उसका विड्थ और हाइट क्या होगा, उस टीवी का विड्थ और हाइट क्या होगा। आप अपने घर में देख सकते हैं, अपने घर के टीवी को देख सकते हैं, आपका टीवी का कितना विड्थ और कितना हाइट है, आप खुद से मेजर कर सकते हैं। तो देखिए अगर 30 सेंटीमीटर का आपके घर में टीवी है, मींस उसका डायगोनल 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये आपका 5x है डायगोनल, विड्थ आपका 4x है और हाइट 3x है, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 30 हो गया, 30। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो x 6 सेंटीमीटर है तो विड्थ कितना हो जाएगा? 6 × 4 मींस विड्थ आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा? 6 × 18, हाइट आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई 30 सेंटीमीटर का आपका टीवी है, टेलीविजन है, टेलीविजन को ही शॉर्ट में हम लोग टीवी बोलते हैं, तो कोई आपके घर में, सपोज कीजिए किसी के घर में 30 सेंटीमीटर का टेलीविजन है, इसका मतलब है उस टेलीविजन का विड्थ कितना होगा? 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होगा? 18 सेंटीमीटर।
हम लोग विड्थ हमेशा ज्यादा रखते हैं क्योंकि मेरा आंख जो है हॉरिजेंटली ज्यादा अच्छे से देख पाता है, यही वजह है जो विड्थ को हम लोग ज्यादा रखते हैं, हाइट को कम रखते हैं। वो भी रेशियो फिक्स है 4:3, अगर विड्थ आपका 4x होगा तो हाइट 3x होगा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 5x। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहां से 5x निकल जाएगा। तो आपका इस तरह से अगर कोई भी टेलीविजन है, आप अपने घर के टेलीविजन के जाके देखिए कितना सेंटीमीटर का है, वहां से आपको हाइट और विड्थ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? द एबिलिटी टू सी द फाइन डिटेल्स इन ए पिक्चर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। कोई भी पिक्चर में फाइन डिटेल्स, कहने का मतलब आप उसको जूम कर रहे हैं, जूम करने के बाद भी उसका क्वालिटी डिग्रेड नहीं हो रहा है, आप उस चीज को देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा पिक्चर का क्वालिटी होगा। सपोज कीजिए किसी के फेस पे मोल है, अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं और उसको जूम करने के बाद आप मोल देखते हैं, अगर आपको मोल भी दिखाई दे रहा है, एक कुछ है आपका मींस फुंसी टाइप का भी कुछ है वो भी दिखाई दे रहा है, तो मींस उसका रिजोल्यूशन क्या है उस कैमरा का? बहुत ही अच्छा है। तो जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा आपका पिक्सल होगा, देखते हैं 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, पिक्सल मीन्स डॉट होता है, जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, उतना अच्छा पिक्चर का क्वालिटी होगा। तो रिजोल्यूशन क्या है? द एबिलिटी टू फाइंड फाइन डिटेल्स इन ए पिक्चर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। मीन्स कोई भी पिक्चर में फाइन डिटेल्स, अगर मोल आपके मुंह पे है वो मोल को भी दिखा दे रहा है, ब्लर नहीं फोटो आ रहा है, तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा? उतना ही अच्छा होगा। मीन्स ब्लर नहीं आए, आपका पिक्चर क्वालिटी क्या हो? अच्छा आए। जितना अच्छा पिक्चर क्वालिटी होगा उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। तो ये बेसिक है टेलीविजन का, और भी हम लोग देखेंगे, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज को देखते हैं, फिर हम लोग मेन सिलेबस पे आएंगे। तो आप जो है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट से जुड़ सकते हैं, आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट से जुड़ जाइए। इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास करवाएगा। अभी आपका ऑनलाइन मोड है क्योंकि कोविड पीरियड है, तो ऑनलाइन मोड में आप ज्वाइन कीजिए, आप मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर है 8581836055, और आप ऑनलाइन मोड में कनेक्ट हो जाइए। ऑनलाइन मोड में आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक सिक्योर आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप अधिक जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर ले। मेरा नंबर फिर से हम कॉल कर बोल देते हैं 8581836055। यहाँ पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइए, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। मेरा पता है राजीव नगर रोड नंबर 3 पटना, यहाँ पे मेरा कोचिंग है। आप ऑफलाइन मोड भी जुड़ सकते हैं जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा, अभी ऑनलाइन मोड है तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और एक सिक्योर पासवर्ड लिंक के द्वारा आपको क्लास करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच।